झुकाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते राजा। We thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for your wonderful presence. Your word says, "Where two together in my name, I am there in the midst." आपने कहा सचमुच जहाँ पर दो या तीन मेरे नाम से मिलते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। प्रभु जी सचमुच आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को स्तुति मिले। आज का जो वचन है हर एक भाई बहन के हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना प्रतिफल। बोलने वाले दास पर भी तेरा आशीष, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का टीचिंग है, उसका टॉपिक है गेट अलाइन्ड विद द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के साथ एक हो जाओ। हालेलुया, या उसके साथ अलाइनमेंट में आ जाओ। प्रेज गॉड, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के साथ एक हो जाओगे आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ दिखेगी, परमेश्वर का अभिषेक दिखेगा, परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में दिखेंगे। आमीन, बोलो हालेलुया। जैसे जो बिजली है भारत के कोई कोने कोने में बनाते हैं, हो सकता है सिक्किम में बना रहे हैं। आमीन, कहाँ पर पानी के जरिए बिजली बनाई जा रही है, कहाँ पर थर्मल पावर के जरिए और किधर कोयले के जरिए। हालेलुया, किधर न्यूक्लियर पावर के जरिए जो है बिजली बनाई जा रही है। लेकिन वो बिजली इतने दूर गांव में बनती है, हमारे घर तक पहुंचने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जरिया है वायरिंग। तो तार यहाँ से लेकर के वहाँ जहाँ पर पावर बनता है वहाँ तक जुड़ा रहता है, और उस तार में थोड़ी भी खराबी आ जाती है तो हमारे तक पावर नहीं आएगा। तार थोड़ा ढीला रहेगा, यहाँ पर लाइट ऊपर नीचे होएगा, जिसकी वजह से हमारे एसी बीसी सब जल सकती है, लाइट्स जल सकते हैं, टीवियाँ जल सकती हैं, हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जल सकते हैं। आमीन। सो तार जो है, जो केबल है जो उस पावर सेंटर को जोड़ता है वो इम्पोर्टेंट है। आमीन। और जब वो उसमें जरा भी फॉल्ट नहीं रहती है, अच्छे से सिक्योर करके उसको हमारे घरों तक जोड़ दिया जाता है। आमीन। किधर टच ना हो, किधर कुछ ना हो, सारे ध्यान रखा जाता है। वैसे ही परमेश्वर आज कहता है स्वर्ग में उसका पावर सेंटर है। बोलो हालेलुया। और जो विश्वासी भाई बहन उससे सही रीति से जुड़ेंगे उनके घर में वो सामर्थ उतरेगी। आमीन। उनके जिंदगी में वो परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी। और उसमें तार में, अच्छा तार जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा गड़बड़ी है, तो उनके जिंदगी में गड़बड़ी भी दिखने में आएगी। हालेलुया। और जिसकी तार एकदम सही मायने में जुड़ी हुई है वो बहुत प्रभावशाली रीति से परमेश्वर की महिमा का योग्य बनेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तार बहुत जुड़ना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ अलाइन होना जरूरी है। दूसरा बात, डैम, पानी का जो डैम होता है वो भी खेड़े गांव में दूर होता है, और वहां से पाइपलाइन के जरिए हमारे घरों तक पानी छोड़ दिया जाता है, है ना। तो जहां पर भी पाइपलाइन जहां पर भी जोड़ते हैं बहुत संभाल के उसको जोड़ते हैं, थोड़ा भी हवा भी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? जब आपके बिल्डिंग में आती है फिर उधर प्लम्बर लोग उसको जोड़ते हैं, टेप लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, उसको टाइट करते हैं, एरल डाइट लगाते हैं, फेविकॉल लगाते हैं, सब टाइट करके एयर टाइट, आपके उसके अंदर थोड़ा भी हवा नहीं घुसे, और वो डैम से वो कनेक्शन आपके घर तक सिक्योर होना चाहिए। आमीन। तभी आपके घर में भरपूर पानी आएगा। और कभी कभी एयर पकड़ लेता है, क्या पकड़ लेता है, खाली हवा ही फेंकेगा क्योंकि कुछ गड़बड़ी हो जाने से। आमीन। बोलो हालेलुया। तो इन सब बातों के लिए इतना जरूरी है कि इन लोग आपके घर तक पहुंचने के लिए उनको सिक्योर कनेक्शन चाहिए। वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ आपके जिंदगी में दिखाई देने के लिए आपको भी परमेश्वर के साथ सही तरीके से जुड़ना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। तार को थोड़ा इधर उधर लगाएंगे चलेगा,
पाइपलाइन को थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके जोड़ेंगे चलेगा? थोड़ा हवा जाने दे, चलता है क्या है उसमें, टाइट नहीं करेगा, चले नहीं चलता है। आमीन। तो लोग बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छे से जोड़ते हैं। आमीन, बोलो हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू के पहला अध्याय उसका सातवां और आठवां वचन में कहा है, देखिए अलाइनमेंट बहुत बराबर होना चाहिए। सात और आठ, यहोशू बहन पड़ेगी पहला अध्याय सात और आठ। हालेलुया। यहोशू पहला अध्याय सातवां वचन, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हालेलुया। मेरे व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है। आज हमारे पास और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और टीचिंग्स है, प्रभु यीशु के जरिए भी दिए गए हैं। हालेलुया। तो बोलते कि वो सारे बातों को तू ध्यान में रखना आगे, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, आगे तब जहां जहां तू जाएगा। बोलता है कनेक्शन एकदम ठीक होना चाहिए, ना दाएं मुड़ना चाहिए ना बाएं मुड़ना चाहिए। बोलो हालेलुया। और जैसा जुड़ना चाहिए वैसा ही जुड़ना चाहिए। तब जहां जहां तू जाएगा हाँ वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना आगे, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। बोलो हालेलुया। एक परमेश्वर चाहता है आपकी तार सीधा स्वर्ग में जुड़ जाए। बोलो हालेलुया। दाएं बाएं मत मुड़ना, सीधा चलना परमेश्वर कहते हैं। और परमेश्वर का आशीष आपके जिंदगी में, आपके घर में, आपके पड़ोस में रिलीज हो जाएगा। आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। आमीन। देखिए बाइबल इसलिए मत पढ़ो कि वो आपको एक्सीडेंट होने से बचाए। हालेलुया। बाइबल इसलिए पढ़ना चाहिए कि इसके अनुसार चलना है। आमीन। दिस इज अ बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब भी हम कोई सामान लेते हैं उसके साथ एक बुक आता है, पढ़िए मत पढ़िए लेकिन बुक आता है। आता है कि नहीं? मोबाइल लेते बुक आता है कि नहीं? घड़ी लेते बुक आता है कि नहीं? टीवी लेते बुक आता है कि नहीं? तो हमारे साथ भी एक बुक आया है। हालेलुया। हालेलुया। ये बुक देख के हमको फिट करना है। आमीन। या सेल्फ रिपेयरिंग करना है। हालेलुया। सेल्फ उसको चेक करना है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन है, परमेश्वर की तरफ से जिंदगी को अच्छे से चलाने वाली किताब है। तो इसको हमको पढ़ना है और अपने जीवन में ये सारी बातों को लागू करना है। आमीन। और ऐसा ही करने से हम आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने ऐसा करने वाले अभी है ना? तो ये किताब बार बार पढ़नी है। इसके सारे इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से जानोगे तो आपका जीवन अच्छे से चलेगा। हालेलुया। आप जानोगे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या अच्छा नहीं लगता है। और परमेश्वर चाहता है ये आने वाले दिनों में हम सभी लोग आशीष पाए। आमीन। केवल आर्थिक आशीष नहीं, आत्मिक आशीष भी पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यानी हम हर चीज में आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में, आर्थिक में, शारीरिक में। आमीन। सब स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर रीति से हम परमेश्वर में आशीष पाए। आमीन। तो हम लोग ये कहानी देखते हैं बाइबल के अंदर जो दिखाता है कि सही रीति से नहीं चलने से क्या हो सकता है। हेलो, सब लोग सुन रहे हैं? बाजू वाले को बोलो हेलो। हेलो,
प्रेज द लॉर्ड. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बारिश में बहुत सोए, अभी जागो. आमेन, बोलो हालेलुया. अच्छा, वो जाने के पहले बारिश का बात आया तो एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ. ये जो आफत आई नाला सुपारा के ऊपर, कितने बोलते कि ये शैतान ने भेजा है? कितने बोलते कि शैतान ने भेजा है? अच्छा, कितने बोलते कि परमेश्वर ने भेजा है? हाँ, ये आपको जान गया, परमेश्वर ने भेजा. हालेलुया. लेकिन क्या आप वचन से बता सकते हैं? एमोस की किताब 3:6 हम पढ़ते हैं. देखिए वचन में भी ये बात लिखा है. क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? पहले जमाने में, अभी तो हम लोगों को नरसिंगा से कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन पहले जमाने में नरसिंगा जब भी फूकते थे, जब भी युद्ध का टाइम आता था, दुश्मन की सेना अपने देश में घुस गई या हम लोग उस पर आक्रमण करने वाले, तो तुरी फूकते थे. सब लोग अलर्ट हो जाओ कि सायरन बजता था, है ना, कि युद्ध का समय आया है, संकट का समय आया है, सब लोग तैयार हो जाओ, कुछ भी हो सकता है. तो लोग थरथराते थे, क्या हो रहा है मतलब. उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. क्या यहोवा के बिना भेजे? क्या यहोवा के बिना भेजे? यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में, किसी नगर पे कोई विपत्ति पड़ेगी? क्या कोई विपत्ति पड़ सकती है? बोलता है यहोवा ने भेजा नहीं, तो कोई शहर के ऊपर विपत्ति पड़ सकती क्या? परमेश्वर उधर क्वेश्चन मार्क डाला है. इसका मतलब नाला सुपारा में जो विपत्ति पड़ी, क्या परमेश्वर ने नहीं भेजी? परमेश्वर वही बोल रहा है. हालेलुया. कोई शहर पे विपत्ति पड़ी और यहोवा ने नहीं भेजी? बोलो हालेलुया. इसीलिए यहोवा ने मुझे 1 महीना पहले ये बात बताई. 7 तारीख को मैंने देखा, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, तो मैंने अचानक देखा, ऐसे जब करते पटरी देखा, रेलवे की पटरी देखी मैंने, और पटरी के ऊपर पानी भरा हुआ है. आमेन. बस तो मैं सोचा कि पटरी के ऊपर पानी तो हमेशा भरते रहता है मुंबई में, कौन सी बड़ी बात है, है ना. ठीक है, फिर भी मैंने एक संदेश उस दिन डाला व्हाट्सएप पे, हमारे ब्रॉडकास्ट में, मत्ती का अंदर 7 अध्याय में, आंधियाँ चली, तूफान आए, उस घर से टकराए, और जो घर चट्टान पे नहीं बना था उसको चकनाचूर कर दिया. आमेन. लेकिन मैंने उस संदेश में ये नहीं डाला कि मुझे ऐसा दर्शन दिखा. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन उसके बाद मैंने फास्टिंग प्रेयर में बताया कि कुछ लगता है खास बात होने वाली है, पटरी के ऊपर पानी है, ऐसा परमेश्वर दिखा रहे हैं. लेकिन अभी मुंबई में माहिम इधर उधर सब पानी भरते रहते हैं हर साल, तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं सोचा. मुझे ये नहीं मालूम था नाला सुपारा में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ काम होने वाला है. आमीन. हालेलुया. जैसा जैसा न्यूज़ देख रहा था मुझे टेंशन हो रहा था, बोला परमेश्वर कितना तक अभी करने वाला है तू? बहुत. नाला सुपारा पूरा मीडिया में छा गया. हालेलुया. जो कोई नहीं जानते थे मुझे, कहाँ कहाँ से लोग फ़ोन कर रहे हैं, अरे पास्टर आप भी नाला सुपारा में रहते हो ना? बोला हाँ, लेकिन मैं सेफ हूँ, टेंशन मत करो. हालेलुया. और तो फोन भी नहीं लग रहा था पहली बात तो. हालेलुया. लेकिन ये बात मैंने उपवास प्रार्थना में और कुछ प्रार्थनाओं में मैंने शेयर की थी, शायद 10:30 का मीटिंग में भी शेयर किया था कि नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन आपको याद होगा तो ठीक है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लेकिन जितने भी लोग हमारे करीबी है उन लोग सब जानते हैं ये दर्शन मुझे परमेश्वर ने बताया था, और मैंने उनको ये बात होने के पहले बताई थी. बोलो हालेलुया. और सबसे बड़ी बात, ये बात होने के पहले परमेश्वर ने भी बताई थी. आमेन. अब जुलाई में हुआ, लेकिन 7 तारीख को परमेश्वर ने बताया, और वचन में भी वही बताते हैं. 7वां वचन देखिए, हम 7वां वचन पढ़ते हैं उसमें, एमोस 3:6 और 7वां वचन. इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मन बिना प्रकट किए हुए कुछ भी नहीं करता है. बोलते हैं परमेश्वर किधर भी कुछ भी तबाही लाने जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लाने जा रहा है,
पहले अपने दासों को बुला के बताता है, बेटा इधर आ, मैं ना नाला सुपर में कुछ करने जा रहा हूँ, वही मुझे परमेश्वर ने पताया, पटरी और पटरी के ऊपर पानी, हालेलुया। लेकिन मुझे प्रार्थना करने के लिए मन नहीं दिया कि प्रभु ऐसा नहीं हो, आमेन। मैं बोला होने दे परमेश्वर, होने दे, प्रेज द लॉर्ड, जो तू कर रहा है वो होने दे। मुझे ऐसा कुछ बोझ नहीं आया कि ये इंसिडेंट दिखा रहे, ये नहीं होने दे, नहीं, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर को जब कुछ करने का रहता है तो वो बोझ नहीं देता है, बोला करने का ही है, आमेन। तेरे अंदर कुछ फीलिंग नहीं दूंगा प्रार्थना करने के लिए, तो मैं भी रिलैक्स था एकदम, हालेलुया। मुझे मालूम था कुछ होने वाला है, लेकिन मैं रिलैक्स था, परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और परमेश्वर ने ये बात बहुत खतरनाक रूप से, और जब मैं उसके जो आखिरी दिन शायद गुरुवार के दिन मैं वसई गया, फिर कुछ काम के लिए मुझे मम्मी को मिलने जाना था वसई, तो मैं रेलवे स्टेशन पे आया, तो वो जो दर्शन मैंने देखा था वही मैं पटरी को देखा, इतना पानी निकाला फिर भी वो पानी पटरी के ऊपर से गया नहीं था, वो देखा तो मुझे विजन याद आ गया। मैं बोला अरे बाप रे, ये दिखाने के लिए मुझे परमेश्वर ने स्टेशन पे लाया लगते, हालेलुया, कि बेटा जो तुझे दिखा था अभी देख खुली आंखों से। मैं बोला हाँ ठीक है, हालेलुया। एक महीना पहला परमेश्वर ने प्लान किया था ये बात, उसने कितना महीना पहला प्लान किया मालूम नहीं, लेकिन एक महीना पहला हमको बताया, हालेलुया। यानी सारे सरदूत लोग काम पे लग गए होंगे, सारे बादलों को इंस्ट्रक्शन दिया होगा, नाला सुपारा के ऊपर बरसना है 250 mm, जब मुंबई में 70 mm बरसा, नाला सुपारा के ऊपर कितना बरसा, 250 mm, और खाली 12 घंटे में, बाकी टोटल 350 mm बारिश आया दो दिनों में, जिसकी वजह से, हालेलुया। लेकिन ये बात परमेश्वर ने बताई, और इससे हमको ये मालूम पड़ता है यहोवा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो इस दुनिया पे राज कर रहा है। आमीन। फिर उसके बाद अंधेरी का ब्रिज जिस दिन गिरा उसके आधा घंटा पहले मैं सुबह प्रार्थना में था, परमेश्वर ने बोला पहला कुरिन्थियों 10:11 निकाल। मैं तो किसी के लिए प्रार्थना करने वाला है, कौन है, कहाँ से आया, कौन बोला मुझे पहला कुरिन्थियों 10:11 निकाल, लेकिन बोला तो सही, मुझे सुना कि बोला कुछ मालूम नहीं, लेकिन अच्छा पहला कुरिन्थियों 10:11 मिला है क्या इसमें, उसमें लिखा था ये बातें उन पर पड़ी हमारी चेतावनी के लिए जो दुनिया के अंतिम समय में जी रहे। मैं बोला ये बातें किस पर पड़ी और क्या पड़ी, मेरे को नहीं समझ रहे परमेश्वर, ठीक है बाद में देखते क्या है। आधा घंटे के बाद किसी का फोन आया, सिस्टर से बात कर रहे थे किचन में, अंधेरी में ब्रिज गिर गया है रेलवे का, तो मुझे तुरंत वो वचन याद आया, फिर से मैंने बाइबल निकाला, पहला कुरिन्थियों 10:11 ये बातें उन पर पड़ी हमारी चेतावनी के लिए जो दुनिया के अंतिम समय में जी रहे। मेरे शरीर के बाल सब खड़े हो गए, मैं बोला हम लोग दुनिया के अंतिम समय में जी रहे, प्रभु इतना जल्दी आप आ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। कितने इनको समझ में आ रहा है, और हो सकता है ये पवित्र आत्मा ने बताया, मुझे कुछ मालूम नहीं, आमेन, कि हम दुनिया के अंतिम समय में जी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है आप और मैं आने वाले दिनों में ऐसी बातों को देखने वाले हैं, जो ऐसे लोग बोलेंगे नाला सुपारा के सब लोग बोले इतना पानी मैंने कभी नहीं देखा, इतना प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। अंतिम दिनों का ये सब ट्रेलर है, जो ऐसा कभी नहीं हुआ था वो सब होने वाला है आने वाले दिनों में, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन ये ट्रेलर है, लेकिन ये हर जगह पे दिखने वाले आने वाले दिनों में देखो, क्योंकि आप और मैं अंतिम दिनों में जी रहे हैं। कौन से दिनों में जी रहे हैं? यस, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग सावधान हो जाएंगे आप और मैं अंतिम दिनों में जी रहे, इसके लिए जल्द से जल्द परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ जाओ, नहीं तो जब मुसीबत आएगी कोई बचा नहीं पाएगा। फोन बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, आप कॉल भी नहीं कर पाओगे पुलिस को या सहायता करने वाले को। भाई को भी फोन नहीं कर पाओगे। हालेलुया, मेरी मदद करो मैं फंस गया हूं करके भी नहीं बोल पाओगे। कैसे बोलोगे? आमेन। कैसे बोलोगे? सब तो बंद हो गया, देखा ना आपने कैसा बंद होता है। ऐसा ही एंड टाइम में होने वाला है, फिर केवल यहोवा रहेगा और आप रहोगे। संकट के वक्त मुझको पुकार। हालेलुया, आमेन। और मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर बारिश नहीं बंद करता तो क्या होता? आमेन। लोग नहाते थे पानी में, मालूम नहीं क्या हो सकता है, है ना? नोआ के जमाने में भी ऐसे हो रहा था, थोड़ा बहुत पानी भरा तो नहाते होंगे खुशी से सब लोग, ये नहीं मालूम था कि बंद ही नहीं होने वाला है। आमेन। थोड़े टाइम के बाद वो खुशी आंसुओं में बदल जाती। आमेन। बोलो हालेलुया। सो मेरे भाइयों बहनों, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर परिस्थिति में आज दुनिया के खड़ी है और परमेश्वर अपना क्रोध बरसाने वाला है, लेकिन आप और मैं जल्द से जल्द तैयार होंगे। हम लोग उत्पत्ति का चौथा अध्याय में जाएंगे, यहाँ पर केन और अबेल की कहानी देखते हैं कि इसमें से हमें क्या सीखना है आज, कैसे, हाउ वी शुड गेट अलाइन विद गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड। चौथा अध्याय जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 से लेकर के 6 तक बहन पड़ेगी, 6 तक। चौथा अध्याय पहला वचन, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेल बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पैलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर दो भाइयों की कहानी है, केन और हाबिल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। केन किसान था, हाबिल चरवाहा था, है ना? वो लाइन में चला गया, ये खेतीबाड़ी में चला गया। तो नेचुरली जब उन लोग परमेश्वर को दोनों मिलने जाते थे उस जमाने में परमेश्वर एकदम सामने साक्षात दर्शन देते थे। आमेन, हालेलुया। तो इन लोग दोनों ये अपना खेती से जो भी उपज मिली उसको लेकर के परमेश्वर के पास गए। वो अपनी भेड़ बकरियों में से कुछ पैलोटे लेकर के परमेश्वर के पास भेंट चढ़ाने गए, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर हाबिल की भेंट से प्रसन्न हो गया और केन की भेंट से प्रसन्न नहीं हुआ। हालेलुया, बोलो आमेन। फिर हाबिल केन का जो भेंट परमेश्वर नहीं पसंद किया तो केन बहुत दुखी हो गया, मुंह टेढ़ा करके ऐसा करके देखकर परमेश्वर को। फिर परमेश्वर बोला, तेरा मुंह क्यों गिरा हुआ है? सो द लॉर्ड सेड टू केन, व्हाई आर यू एंग्री?
And why has your countenance fallen? Parmeshwar bolta hai, if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door. And its desire is for you, but you should rule over it. Hallelujah. Parmeshwar bolta hai, tera muh itna gira hua kyun hai? Amen. Agar tu sahi kaam karega, amen. क्या तुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा? क्या तेरी भेंट को स्वीकार नहीं की जाएगी? प्रेज द लॉर्ड. तो आज हम सोचते हैं कि कैन की भेंट को परमेश्वर ने क्यों स्वीकार नहीं किया? क्या भेंट में प्रॉब्लम था कि कैन के अंदर प्रॉब्लम था? आमीन. उसकी भेंट में प्रॉब्लम था कि उसके अंदर प्रॉब्लम था? हालेलुया. देखिए, सबसे पहली बात हमको ये जानना चाहिए, मूसा ने जो कानून कायदे परमेश्वर के जरिए दुनिया को दिए, उसके पहले भी दुनिया में कानून कायदे थे. बोलो थे. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये सब पहला था. तभी तो नोआ को बोला गया नोआ इज अ राइटियस मैन, क्योंकि वो परमेश्वर के कायदों पर चलता था. लेकिन भले किताब नहीं लिखी होगी या लिखी भी होगी तो हमारे बाइबल में ऐड नहीं की गई है. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन जरूर कानून उस जमाने में था, परमेश्वर को कैसे भेंट चढ़ाना है, परमेश्वर को कैसे परमेश्वर के पास आना है, प्रोटोकॉल क्या है. आमेन. बोलो हालेलुया. तभी तो परमेश्वर ने कैन से बोला, अगर तू सही काम करेगा क्या तुझे ग्रहण नहीं करेंगे? तो उसको मालूम था कि सही क्या है. लेकिन हाबिल ने वो सही काम किया. हालेलुया. लेकिन कैन ने वो सही काम नहीं किया. बोलो हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. सो मूसा का कानून कायदा आने से पहले, मूसा के जरिए कानून कायदे देने से पहले भी दुनिया में कानून कायदे थे. हम जानते हैं जेनेसिस में बहुत सारी बातें हो गई. नोआ का फ्लड आया, नोआ बहुत सारे दुनिया को डुबा दिया गया. तो जरूर कानून कायदे थे, उन लोग फॉलो नहीं किए, इसके लिए परमेश्वर ने दंड भेजा. आमीन. उसके बाद हम सारी अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनकी कहानी सुनते हैं. इनका भी जिंदगी में बहुत सारी बातें हुई और उनको भी मालूम था सही क्या है, गलत क्या है. हालेलुया. हाँ, कैसे जीना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, सब मालूम था उनको भी. यानी तभी भी रूल्स रेगुलेशन से कानून कायदे थे परमेश्वर के. आमेन. वैसे ही उसके पहले आदम और हवा के ज़माने में भी ये सब बातें थी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो ये बात हमको एक जानना है कि उसके पहले भी परमेश्वर के कानून कायदे थे. आमेन. सो बाइबल में यहाँ पर परमेश्वर ने क्लियर कारण नहीं बताया कि क्यों परमेश्वर ने कैन के जो उसकी जो भेंट है उसको ग्रहण नहीं की. हालेलुया. हाबिल की क्यों ग्रहण की, कैन की क्यों नहीं ग्रहण की, ये हम लोग सोचते. कुछ लोग सोचते उसने परमेश्वर को फ्रेश बाजी नहीं दी होगी. बाजी क्या नहीं दी, फ्रेश नहीं दी होगी, इसके लिए परमेश्वर ने नहीं स्वीकार किया होगा. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं. आमेन. ये हमारी सोच है, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है कि परमेश्वर को सड़ी हुई बाजी दिखाई इसके लिए परमेश्वर प्रसन्न नहीं किया. परमेश्वर कहता है बस परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा उसका बेट. क्यों अच्छा नहीं लगा, ये हम परमेश्वर की बातों से ही जान सकते हैं. क्या भेंट में प्रॉब्लम था कि भेंट देने वाले के अंदर प्रॉब्लम था? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, ध्यान से सुनो, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं उसने मेमने का भेड़ अर्पण नहीं किया परमेश्वर को. लैम अर्पण करना चाहिए था, शीप अर्पण करना चाहिए था, उसका पैलोट अर्पण करना चाहता, ब्लड सेक्रीफाइस देना चाहता, यानी लहू का सेक्रीफाइस देना चाहता. उसने नहीं दिया, उसने फल फ्रूट लेके आए, इसके लिए परमेश्वर को प्रसन्न है. लेकिन मुझे नहीं लगता है वो सही बात है. आमेन. ये भी हमारी सोच है, परमेश्वर ऐसा बोला नहीं, क्योंकि वो अपना प्रोफेशन क्या था उसमें से उसने अपने परमेश्वर को अच्छा दिया. भाजी खेती करता था और दूसरे ने जो भेड़ बकरी चराता था उसमें से उसने अपने परमेश्वर को अच्छा ले गया. तो क्या हो सकता है? हालेलुया. क्या कारण हो सकता है? परमेश्वर की बातों में हमको देखना पड़ेगा. हालेलुया. तो हम लोग पांचवा वचन देखते हैं, उत्पत्ति 4:5.
छठवां वचन सो हाँ तब यहोवा ने हाँ कैन से कहा हाँ तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। अभी सातवां वचन इंपॉर्टेंट है। ओके यदि तू भला करे इफ यू डू वेल तो क्या तेरी इफ यू डू व्हाट इज राइट। ओके आगे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की विल यू नॉट बी एक्सेप्टेड। आगे और यदि तू भला न करे एंड इफ यू डू नॉट डू व्हाट इज राइट तो then, पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप किधर छुपा है? द्वार के पीछे पाप छुपा है और वो हमको खा जाना चाहता है वो पाप। एंड द सीन लाइज एट द डोर एंड इज डिजायर इज फॉर यू बट यू शुड रूल ओवर इट। हालेलुया। बोलता है उस पाप वो तुझे खा जाना चाहता है लेकिन तू उस पर राज्य करना चाहे। ऐसे करके परमेश्वर ने उसको समझाने की कोशिश की केन को। हालेलुया। इसका मतलब केन के हृदय में पाप था और वो भेंट लेके आया था। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। उसके हृदय में क्या था? पाप था। हालेलुया। हम लोग देखते हैं जूड का चैप्टर 1:11 जूड बुक ऑफ जूड यहूदा पहला अध्याय 11 वचन उन पर हाय क्योंकि वे कैन किसी चाल चले। उन पर हाय यानी वो पापी लोगों पर हाय। बाइबल कहती है जूड 11 पहला अध्याय उसमें सब ये बातों के बारे में लिखा है। ऐसे सारे लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने पाप किया। ध्यान से सुनेंगे प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को इज़राइल के लोगों को लाल समुद्र पार करा के उस समुद्र में रास्ता बना के उन्हें लेके आया। लेके आया कि नहीं? लेकिन बाद में वो लोग जब जिद्दी बन गए वो लोगों को परमेश्वर ने वो समुद्र में से बचा के लाया था। दुनिया की सारी आपद से बचा के लाया था जिनको उनको परमेश्वर ने खुद मारा। हालेलुया। बचा के लाया लेकिन बाद में उन लोग जिद्दी बने तो परमेश्वर ने उन्हें खुद मारा। आमेन प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन लोग बोलते किसके रास्ते पे चले? केन के रास्ते पे चले। किसके रास्ते पे चले? ओ और जो आसमान में स्वर्गदूत थे उनको कुछ पदवी दी थी। उनको बोला तुम्हारा निवास स्थान परमेश्वर के साथ है लेकिन उन लोग धरती पर उतर गए। कहां पर उतर गए? मनुष्य के साथ अपना निवास स्थान बनाया। मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी किया जिसकी वजह से उनका डीएनए दोनों का मैच नहीं हो गया। राक्षस पैदा हो गए पृथ्वी पर। क्या पैदा हो गए? इसीलिए नोआ के जमाने में पानी से उन राक्षसों को मारने के लिए असल में बाढ़ आई थी। इंसान को मारने के लिए कम उन राक्षसों को मारना चाहता था लेकिन इंसान भी उन स्वर्गदूतों के साथ मिला हुआ था। इसके लिए सबको मारने के लिए परमेश्वर ने लेकिन केवल नोहा का संतान उसमें अपने ब्लड को मिक्स नहीं किया उन स्वर्गदूतों के साथ फॉलन एंजल्स के साथ। हालेलुया। इसके लिए उसको बख्श दिया। आमेन। बोलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और सारे लोग एडल्ट्री पाप में जी रहे थे। आज भी भारत में भी सुप्रीम कोर्ट में थोड़े दिनों के अंदर समलैंगिकता है ना होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर लॉ पास होने वाला है। इंडिया में शायद ओके करने वाला है। एंड टाइम्स आ रहा है फिर से सोदोम गोमोरा आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। तो ये सब बातें जो बाइबल के हिसाब से सही नहीं है वो हर एक देश में अमेरिका में जर्मनी में इंग्लैंड में सब पास हो रही है। तुम लोग ऐसा गलत जीवन जी सकते हो। आदमी आदमी से शादी कर सकता है। ये सब बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा दिन में शायद ओके कर देगी और वो पाप फिर एंड टाइम। हालेलुया। फिर एंड टाइम आने वाला है इसीलिए सब ओके हो रहा है अभी। प्रेज द लॉर्ड। जो 2000 सालों से ओके नहीं हुआ लेकिन आपके और मेरे ज़माने में ओके हो रहा है। ध्यान से सुनिए आप लोग। आमेन। इसके लिए परमेश्वर बोल रहा है मेरे आने का समय हो गया है। इसके पहले भी सोदोम गोमोरा भी इसीलिए नाश हुआ था।
समलैंगिकता, ये पाप के लिए होमोसेक्सुअलिटी, नोआ के ज़माने में भी वही होमोसेक्सुअलिटी, प्रेज द लॉर्ड, प्लस ये मतलब परमेश्वर का एक सिस्टम है, उससे बाहर, उससे बाहर एडल्ट्री, आमीन। तो वो दूतों को, वो स्वर दूतों को तो बांध के रखा, उनको मौत नहीं है, उनको मार नहीं सकते, लेकिन उनको बांध के रखा है पृथ्वी के नीचे। कुछ लोग बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिका है, एंटार्कटिक है ना, वो बर्फीला जगह है, उसके नीचे उन लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड, उधर उनका लोकेशन है, उधर कोई जाते नहीं ना लोग, प्रेज द लॉर्ड, क्यों नहीं जाते पता नहीं। अच्छा, बोलते हैं कि वहाँ पर उनका लोकेशन है, उधर पृथ्वी के नीचे उनको बांध के रखा है, ठीक है, अभी पता नहीं सच है कि कितना सच है कितना झूठ है, हालेलुया, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन पृथ्वी के नीचे उनको बांध के रखा है। हो सकता है कि इसने कुछ रिसर्च किया होगा, बाइबल से स्टडी किया होगा, बोल नहीं सकता है, थोड़ा बहुत मुझे समझा तो मैंने आपको बताया, लेकिन वो भयानक इलाका है, सुनसान इलाका है, हो सकता है कोई तो रहस्यमय बात उधर चल रही है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब ग्लेशियर पिघलने लगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का अंत का समय आ रहा है, उनको बांध के रखा है, लेकिन उनके बच्चे थे जो राक्षस थे, ये तो स्वर दूत है ना, उनको बांध के रखा है, लेकिन उनके बच्चे जो राक्षस थे वो पानी में डूब के मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं धरती पर भटक रही हैं, किधर भटक रही हैं, और वो पकड़ती हैं किसी किसी को, बोलो हालेलुया, और जब वो पकड़ती हैं उसको निकालने का बहुत मुश्किल होता है, कोई मरे हुए इंसान का आत्मा रहता है जल्दी निकल जाता है, लेकिन ये जो राक्षसों का आत्मा रहता है ना, प्रेज द लॉर्ड, उसको केवल कुछ खास पास्टर लोग ही निकाल पाते हैं, आमेन, बोलो हालेलुया, डर नहीं लग रहा है ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये हकीकत है, ये सच्चाई, प्रेज द लॉर्ड। उन राक्षस, उन स्वर्दूतों के जो बच्चे हैं उनकी आत्मा, दे आर कॉल्ड इन इंग्लिश डीमंस, डीमंस उसको बोलते हैं, डीमंस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो यहाँ पर है ना, दे आर प्रिंसिपालिटीज, दे आर द रूलर्स, दे आर द अथॉरिटीज, अवर फाइट इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, हमारा मल्ल युद्ध रक्त और मांस के खिलाफ नहीं, ये अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है, आमेन। दे आर द रूलर्स, क्योंकि वो जमाने में भी रूल करते थे, आमेन। दे आर द माइटी वंस, है ना, क्योंकि वो राक्षस, डीएनए मिसमैच हो गया, पहाड़ के जितना ऊंचे हो गए, हालेलुया, 2000 किलो वजन, 4000 किलो वजन, भारी भारी हो गए, खाने के लिए इंसान को पकड़ के खाने लगे, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो बोलते ये सब लोगों ने किसका रास्ता पकड़ लिया, 11 वचन जब आप पढ़ेंगे उसके पहले घर पे जाके पूरा पहला अध्याय वचन से पढ़ लेना, एक ही अध्याय जुड़ के अंदर एक ही अध्याय लिखा गया है, आमीन, बोलो हालेलुया। और वो पूरा वचन आप पढ़ लेना और तब आपको मालूम पड़ेगा केन कैसा इंसान था। They have taken the way of Cain, referring to lawless men. Amen. So परमेश्वर ने केन से कहा, तू अगर जो सही है वो करेगा, इसका मतलब केन को मालूम था सही क्या है, लेकिन वो करना नहीं चाहता था। दोनों परमेश्वर को इंप्रेस करना चाहते थे। देखिए, केन भी परमेश्वर को इंप्रेस करना चाहता था, हाबिल भी, लेकिन केन गलत तरीके से परमेश्वर को इंप्रेस करना चाहता था और हाबिल सही तरीके से। तो आज भी विश्वासी में भी ऐसा है, कोई लोग गलत तरीके का जीवन जीते फिर भी परमेश्वर को इंप्रेस करना चाहते हैं, और कोई सही जीवन जीकर परमेश्वर को इंप्रेस करना, परमेश्वर किसको मानेगा, जो सही जीवन जी के उसको इंप्रेस करना चाहते हैं, आमेन, बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने केन से बताया, तू सही जीवन जी के मुझे इंप्रेस कर सकता है, यू कैन डू व्हाट इज राइट एंड आई विल एक्सेप्ट यू, हालेलुया। लेकिन केन को करना नहीं था, हालेलुया। तो जब भी हम पाप में जीवन जीते हैं, जीवन हम पाप में जीते हैं, आप लोग कोई जीवन में पाप करते हो, आप परमेश्वर के साथ आपका संपर्क टूट जाता है,
परमेश्वर के साथ आप तार आपकी क्या हो जाती है, कट जाती है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारी भेंट नहीं जो परमेश्वर को पसंद है, हमारा जीवन। हालेलुया। परमेश्वर जब भेंट हम चढ़ाते हमारी भेंट को नहीं देखता है, हमारे जिंदगी को देखता है। अगर हमारी जिंदगी राइट है तो परमेश्वर को हमारी भेंट पसंद हो जाती है, लेकिन हमारी जिंदगी राइट नहीं है, परमेश्वर को हमारी भेंट पसंद नहीं आती है। हालेलुया। क्योंकि हम भेंट देकर परमेश्वर को, खाली भेंट देकर परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। उसको बोलते खरीदना, जैसे हम घूस देकर खरीदते किसको। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को घूस देकर या भेंट देकर, पाप में जीकर भेंट देकर हम परमेश्वर को नहीं खरीद पाएंगे। आमेन, बोलो हालेलुया। तो केन ऐसा ही सोचता था, परमेश्वर तेरे को ऑफरिंग चाहिए, चलो दे दिया, लेकिन जीवन तो मेरा गलत है। आमेन। तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी हम भेंट को लेके आते हैं परमेश्वर, परमेश्वर हमारी भेंट देखकर ही समझ जाता है हमारा लाइफ कैसा है। ये परमेश्वर की खासियत है। प्राइस द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी भेंट देके परमेश्वर समझ जाएगा आपका जिंदगी कैसा है। प्राइस द लॉर्ड, हालेलुया। या जब हम भेंट देते हैं परमेश्वर तुरंत हमारे हृदय को देखता है। इसके लिए भेंट देने के पहले भी अपने हृदय को क्या करो, शुद्ध करो। बोलो शुद्ध करो। आमीन। वो भेंट नहीं परमेश्वर को पसंद है, हमारा शुद्ध मन, हमारा शुद्ध जीवन परमेश्वर को ज़्यादा इम्प्रेस करता है। कितने जन परमेश्वर को ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहेंगे, किसके जरिए? भेंट तो रिफ्लेक्शन है, चलो हमारा फेथ का, हमारे विश्वास का, हमारे प्यार का, जो परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है भेंट से भी ज़्यादा, बेटा तेरा जिंदगी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसके लिए यीशु मसीह भी जब इस धरती पर आए, कौन आए? जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, किधर आए? पहला किधर थे? किधर बोलते स्वर्ग में थे? पहला स्वर्ग में थे। हा हाँ बोलो ना, डरते हो क्यों? हालेलुया। स्वर्ग में थे, वो तो परमेश्वर का वचन थे, है ना? स्वर्ग में थे, वचन, वचन के रूप से पवित्र आत्मा, आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा पहले भी था, दाऊद के ऊपर आता था पवित्र आत्मा। ऐसा थोड़ी है कि उसको यीशु मसीह मरने के बाद नया आत्मा को बनाया। दाऊद राजा के ऊपर आत्मा आता था, बाइबल कहती है वीणा बजाता था। हालेलुया। आत्मा आता था, फिर गोलियत से झगड़ा किया, आमीन, उसको मार दिया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा भी पहले से ही था, यीशु मसीह भी पहले से था, यहोवा भी पहले से। हालेलुया। यानी ये सब चीज़ों को मिला के यहोवा बनाए, वर्ड ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड एंड द नॉलेज द फादर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, तो मनुष्य बनकर इसी धरती पर आया। हाबिल, केन, इन लोगों का सबका सबका सामना यीशु मसीह ने किया हुआ था। आमेन। तो यीशु मसीह ने एक कहानी बताई, बहुत ध्यान से सुनो। पांचवा अध्याय मत्ती का 23वां वचन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 और 24, मत्ती 5वां अध्याय 23वां वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, यदि तू भेंट अपनी भेंट वेदी पर लाए, कुछ भेंट लेकर, उस जमाने में क्या होता था, एक टेबल जैसा रखते थे, उसमें जाके अपना भेंट रख के लोग चले आते थे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे कि नहीं आप लोग? yes. मुझे डर लगता है आप इधर है कि नहीं। आमेन। नाला सुपरा से बाहर तो नहीं चले गए तुरंत? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तू अपनी भेंट वेदी के पास लेके आए, आगे, और वहां तू स्मरण करे, वहां तुझे याद आता है कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे भाई के मन में तेरे बारे में कुछ दुख है, क्योंकि तूने भाई का हिस्सा शायद हड़प लिया,
आमीन, हालेलुया। या भाई को कुछ धोखा दिया तो भाई तेरे बारे में दुखी है, तूने गलती किया है तुझे मालूम है, लेकिन तू भेंट लेके आया परमेश्वर के पास। आगे तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। परमेश्वर बोलता है भेंट छोड़, भूल जा, छोड़ उधर ही, भाग अपने भाई के पास। आगे और जाकर पहले अपने भाई से मिल मिलाप कर। पहले अपने भाई से क्या कर? हाँ, जो भी तूने गलत किया है सॉरी बोल, कुछ हो सकता है तो वापस भी दे दे। आगे और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। उसके बाद में आके तेरी भेंट चढ़ा। तेरी भेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तेरा दिल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अच्छा बात, अच्छा लगा तो ताली बजाने का, एक आदमी ताली बजा बिछा, बराबर है। तेरी भेंट इम्पोर्टेंट नहीं, तेरा जिंदगी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर का बोल रहा ये। आमेन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी जिसका भाई बहन नहीं वो खुश हो गए, अरे मेरा तो भाई बहन नहीं रहे, थैंक गॉड, मैं तो कभी भी चढ़ा दूंगा, हालेलुया। हंस रहे, ऐसा बोल के हंस रहे, लेकिन इतने आसानी से कोई नहीं छूटने वाला है। ये तो खाली मुहावरा है, बोलो मुहावरा है, इसका मतलब तुम किसकी गाली दोगे और आके भेंट चढ़ाओगे चलेगा? व्यभिचार करोगे आके भेंट चढ़ाओगे चलेगा? परमेश्वर क्या बोलता है, जब भी तू भेंट चढ़ाने क्यों आएगा, तेरे अंदर कुछ भी पाप रहेगा क्षमा मांगना, नहीं तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। तेरी भेंट क्या नहीं होगी? अब हमको मालूम पड़ रहा है केन की भेंट क्यों नहीं ग्रहण हुई थी, भाई के विरुद्ध। बाद में मारा ना उसने भाई को, जान से मारा। आमेन, शायद पहले से ही गुस्सा रख रहा था वो अबील के ऊपर। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर बोला चेंज हो जा, वो चेंज होने के बाद चेंज होने का छोड़ के उसने बोला परमेश्वर मैं इसको मार ही देता हूँ, तू बाद में किसके पास जाएगा, मैं अकेला रहूँगा, मेरी भेंट तुझे लेनी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर ने और लोगों को उत्पन्न किया, परमेश्वर सेत के साथ चला, हालेलुया, बाइबल में लिखा है, हालेलुया। देन इनोक, ये वो सब बहुत सारी बातें। आमेन, बोलो हालेलुया। लेकिन केन को क्या कर दिया, उस एरिया से बाहर निकल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किधर को समझ में आ रहा है? आपको और मुझे परमेश्वर के साथ क्या होना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के साथ क्या होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन आपको किधर भी बताता है, बेटा तू यहां पर गलत कर रहा है, बेटी तू यहां पर गलत कर रहा है, तुरंत अपनी जिंदगी बदलो, हालेलुया। परमेश्वर फोर्स नहीं करेगा किसको, ना केन को फोर्स किया परमेश्वर ने, खाली समझाया। परमेश्वर कहता है जिंदगी और मौत तेरे हाथ में, तू चुनाव कर, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता। आमेन। परमेश्वर आपको कान पकड़ के बोलेगा नहीं, सच्चाई के रास्ते पे चल, चल चल चलता है कि नहीं, जैसा माँ बाप मारते धुलाई करते वैसा परमेश्वर नहीं करता है, हालेलुया। आमेन। हम लोग किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं जाने, हालेलुया, डंडा मार मार के भेजते, हालेलुया, स्कूल भी ऐसे करते हैं। आमेन। लेकिन परमेश्वर ऐसे किसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। आमेन, बोलो हालेलुया। वो प्यार से बुलाता है, कहता है कि तुम्हारी मर्जी, आना है तो आओ, इधर जिंदगी है इधर मौत है। आमेन। मेरे वचन पे चलोगे अनंत काल का जीवन पाओगे। तो आने वाले समय में बहुत खतरनाक बातें होने वाली है, बहुत डेंजर समय आने वाला है, और फिर भी हम नहीं मानेंगे, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन के साथ मिलके नहीं चलेंगे, तो क्या होने वाला है, अनंत काल में नरक की आग में चले जाएंगे। किधर चले जाएंगे? आमीन। केन कहाँ जाने वाला है ना, क्योंकि उसका तो लिख दिया इधर, जूड ने लिख दिया। आमीन, जो उसके रास्ते पे चले। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का भाई था ये जूड, सगा भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
यानी ये जोड़ यूसुफ का बच्चा था और यीशु मसीह पवित्र आत्मा माए की थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, आप और मैं बहुत संभल के परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा आने वाले दिनों में। वचन के साथ चलो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, उपवास में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, स्तुति आराधना में बने रहो, लगातार प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया, खुद को प्रार्थना में बोलते हैं, पाप तुझ पर प्रभुता करना चाहता है लेकिन तू पाप पर प्रभुता करना चाहिए, तुझे पाप का शिकार नहीं होना है। हालेलुया, लेकिन पाप को तुझे अपना कंट्रोल में रखना चाहिए। आमेन, उसको अपने ऊपर बॉस नहीं बनना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप एक सच्चा जीवन जिएंगे? तो जब जिएंगे तो आपके जिंदगी में आशीषों की बारिश होने लगेगी। हालेलुया, आप जब सही रीति से परमेश्वर की साथ जुड़ जाओगे, बाकी की चीजें जिसको आपका टेंशन है, जिसको आपको उसका टेंशन है, बाकी की चीजों का, रोटी कपड़ा मकान, इसमें सब आ जाए। हालेलुया, बाकी की चीजें कौन सी है? रोटी, हाई फाई रोटी, पिज्जा हो सकती है, कोई बात नहीं। हालेलुया, कपड़ा भी हाई फाई हो सकता है, और मकान, प्रेज द लॉर्ड, और लाइफ पार्टनर, आमीन। ये सारी बाकी की चिंतें, परमेश्वर कहता है हालेलुया, ये सारी बाकी की चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी? बोलो, मिल जाएंगी। लेकिन तुम क्या करो, सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस, उसकी धार्मिकता की तलाश करो। प्रेज द लॉर्ड, उसकी धार्मिकता की क्या करो, करो। आमीन। और बाकी यानी परमेश्वर को इंप्रेस करने के लिए आपको एक जीवन जीना है। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, आमीन। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, प्रेज द लॉर्ड। चाहे उसके लिए मुझे गलत दोस्तों को छोड़ना पड़े, आमीन। कभी कभी गलत दोस्त बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, क्या नहीं? गलत दोस्त, दारू पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, बहुत ऐसे लगते हैं, बहुत स्मार्ट है। बच्चों को क्या लगता है, जो लड़का सिगरेट पीता है कितना स्मार्ट है। हालेलुया, जो दारू पीता है, बियर पीता है कितना स्मार्ट है, जो नहीं पीता है वो भोंदू है। हालेलुया, जो लड़की बहुत जन को अट्रैक्ट करती है कितनी स्मार्ट है, बाकी जो सच्चाई पे जीती है वो भोंदू है। हालेलुया, मामू है। हालेलुया, ये क्या क्या बोलते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको और मुझे सच्चाई पे जीना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब परमेश्वर की आशीषें आपके जिंदगी में आएंगी। आज भी कई भाई बहन कलीसिया में है लेकिन उन लोग सच्चाई में नहीं जी रहे, आमीन, हालेलुया। लेकिन एक दिन शैतान उनको कब्जा कर लेगा। शैतान क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा, धीरे धीरे, बहुत प्यार से, बोलो बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। शैतान बताता नहीं है, चोर के जैसा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन को कब्जा कर लेगा, नरक की आग में लेके जाएगा। इसीलिए उस पाप की जिंदगी को हम लोग ठुकराएंगे। हालेलुया, वचन कहता है ये मत कर। इसलिए मैंने बोला बाइबल इसलिए मत पढ़ो एक्सीडेंट से बचाने के लिए, बाइबल इसके लिए पढ़ो मुझे कैसा जीना है। नहीं, ये पढ़ेगा ना सर दर्द नहीं होएगा, ये पढ़ेगा ना तकलीफ नहीं होएगा, इसके लिए पढ़ने का नहीं, प्रेज द लॉर्ड, वो तो ठीक है। परमेश्वर के वचन हमें हर एक बुराई से, संकट से बचाएंगे। जब हम पढ़ेंगे, जब हम उसके अनुसार चलेंगे तो वो हमें बचाएगा। बोलो हालेलुया। लेकिन हमारी जिंदगी को साफ सुथरी रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हमको हमारे साथ वाचा बांधना है, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं पराई स्त्री के साथ कुछ ऐसे नहीं रखूंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया,
मैं किसी को फंसाऊंगा नहीं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। एक पवित्र जीवन जियो, आमेन। आपको और मुझे परमेश्वर ने कहा तुम इस दुनिया की ज्योति हो। हम लोग दुनिया की क्या है? ज्योति। हम अपने घर में ही ज्योति नहीं बन पाते, बाहर कहां पर बनेंगे ज्योति? बाइबल में कहा अगर तू विश्वास करता है तो तू और तेरा घराना बच पाएगा। तेरा घराना बच क्यों नहीं पाता है? बिकॉज यू आर नॉट लिविंग द लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। व्हेन यू विल लिव योर हाउस विल बी सेव्ड। मैं आपसे बोलता हूं हालेलुया, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जियोगे आपके घर के सब लोग यीशु के पास आएंगे। जब मैं आया मैं अकेला था, जब मैं आया यीशु मसीह में मैं अकेला था, सब लोग मेरे विरोध में थे मेरे घर में, लेकिन उन लोग मुझे देखते गए देखते गए देखते गए, धीरे 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 आज मेरे परिवार के यानी मेरा जो क्लोज परिवार है ना, मेरा जीजा, मेरा बहन, मेरा ये वो सब लोग जो अविश्वासी में थे यानी इस तरह की ज़िंदगी में भरोसा नहीं करते थे, आज सब लोग यीशु को मानते हैं। और अपनी अपनी एरिया में वहाँ वहाँ कलीसिया में जाते हैं, आमेन। ऐसी विश्वासी कलीसियाओं में जाते हैं, आमेन। तो मुझे मेरे जीवन में यह बात सच हो गई, अगर तू विश्वास करेगा तू और तेरा घराना बच जाएगा। और हो सकता है इसलिए उन लोग ने बिलीव किया क्योंकि मैं वैसा जीवन जिया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो उन लोग बिलीव नहीं करते थे, बोलते अरे यार ये बोलता कुछ है करता कुछ है। हालेलुया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वो बोले बाइबल अच्छा है लेकिन क्रिश्चियन लोग बेकार है। प्रेज द लॉर्ड, क्या बोलते हैं बाइबल अच्छा। लेकिन ये उसके पीछे चलने वाली पब्लिक जो है नको रे बाबा। हालेलुया, आमेन। क्योंकि उन्होंने पूरा स्टडी किया था, वो यीशु मसीह को स्वीकारने वाले थे, आमेन। लेकिन ये ब्रिटिश लोगों ने, ये उसके पीछे चलने वाले लोग ना, प्लस बाकी क्रिश्चियन लोग जो है वो यीशु का नाम बदनाम कर दिए, आमेन। जिसके वजह से उन्होंने और कोई धर्म को स्वीकारा, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये बनने के लिए यीशु मसीह ने हमको नहीं बुलाया, हालेलुया। हमको यीशु मसीह ने अच्छा उदाहरण बनने के लिए बुलाया, बोलो हालेलुया। तो ये जो हमारे पूर्वजों ने जो नुकसान दिया है परमेश्वर के राज्य को, उसका भरपाई हमको करना है, आमेन। बोलो हालेलुया। एक पवित्र, एक सच्चा, एक अच्छा, हालेलुया, एक आदर्श, प्रेज द लॉर्ड, एक प्यार से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ जीवन जी करके आपको और मुझे परमेश्वर के सुसमाचार को इस देश के लोगों को देना है, हालेलुया। सारे दुनिया के लोगों को देना है, आमेन। बोलो हालेलुया। यीशु जिंदा है, आई कह रही यीशु क्या है, जिंदा है। तो आइए आज हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर से कहेंगे गॉड आई एम गोइंग टू गेट अलाइन्ड विद योर वर्ड। मैं आपके वचन के साथ एक होकर चलना चाहता हूं, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर प्रभु। जैसे आज आपने बताया केन की भेंट को आपने ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसका जीवन आपकी नजर में सही नहीं था, क्योंकि उसके अंदर पाप छुपा हुआ था, और आपने कहा वो पाप केन तुझे पकड़ने के लिए इंतजार कर रहा है, सावधान हो जा। लेकिन केन ने आपकी बात नहीं सुनी प्रभु और वो बर्बाद हो गया। लेकिन प्रभु आज हम सभी को आपने अलर्ट किया इस कहानी के जरिए, हम अलर्ट होना चाहते हैं, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। एक सच्चा, एक पवित्र, एक अच्छा, एक प्रेम, एक शांति, एक अनुग्रह, दया, करुणा से भरा हुआ जीवन, आपके जैसा जीवन हम जिए, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर यहोवा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सब लोग बोलेंगे आमीन।